कश्मीर ख्वाब है या जन्नत, कश्मीर खुशी है या खूबसूरती, कश्मीर सादगी है या सुकून। वेलकम टू लिविंग हेवन ऑफ इंडिया कश्मीर। Welcome back to our channel. So just left on my way to the airport. Keep watching. It's very, very difficult. Getting to our gate number and getting to Srinagar. And now finally reaching to my gate number. So having some quick breakfast because morning mein nikal gaye and honestly time nahi mila to eat anything. So having it quickly and then moving to my gate number. Very hungry. And this is the best way to eat idli. Dip it in the sambar, put some chutney on it, and then eat. हाँ जी, तो यहाँ से सीधा होटल ही चलेंगे ना अभी। ब्यूटीफुल कश्मीर, जस्ट श्रीनगर पहुँचे। कहाँ है पार्क क्या? अच्छा चलिए, वेलकम टू कश्मीर श्रीनगर एंड नाउ हेडिंग टू द प्रॉपर्टी जहाँ पे मैं चेक इन करूँगी। एंड आज मैं कहीं नहीं जाने वाली, आज थोड़ा रिलैक्स करेंगे। चलो, तो अभी बर्फ कहाँ मिलेगी? अच्छा बर्फ है ना, लेकिन बर्फ बारी नहीं है ना? चांसेस हैं। अच्छा, होने के चांसेस हैं? आज आज अभी अभी रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, 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 सके, सके। तो फिर भी ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है? गुलमर्ग से तो 2 आवर्स का है। अच्छा, ट्रैफिक मिलता है? सडनली बहुत मूवमेंट बढ़ गया है। 37 फ्लाइट लैंड कर जाती है तो यही। अच्छा, सिर्फ बेड हीट होता है? ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू। लेकिन इतना ज़्यादा रश कश्मीर में, वो भी ये टाइम पे, वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। एयरपोर्ट जैम पैक, बेल्ट पे जहाँ लगे जाना था हाफ एन आवर तक मैक्स, 1.5 आवर्स लग रहे थे लगे जाने में। सो बहुत ज़्यादा आज टाइम हुआ, मेरे 2 घंटे फ्लाइट डिले हुई। आई वाज सपोज टू रीच एट 2:30, बहुत टाइम गया आज, हेक्टिक था। बट आफ्टर सीइंग कश्मीर आई फील सो गुड। और अभी जल्दी अंधेरा हो जा रहा है, अभी 5 हो रहे हैं बट स्टिल डार्क। सो मैं क्विकली थोड़ा बाहर जाती हूँ, थोड़ा स्ट्रीट एक्सप्लोर करती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रीट है, हर एक कॉर्नर एक फोटोग्राफर के लिए ड्रीम है, ट्रस्ट मी। और यहाँ के लोग भी बहुत स्वीट है। आई हैड सच अ वार्म वेलकम एंड वुड रियली अर्ज, अगर कभी भी ट्रैवल करना है तो कश्मीर डेफिनेटली शुड बी इन योर बकेट लिस्ट। सो दिस इज हाउ दिस रोड लुक्स लाइक, एंड ट्रस्ट मी मेरे गेटअप पे मत जाना, बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं अभी आई थिंक
पाँच दस मिनट में ही चले जाऊंगी होटल, इट्स रियली दैट कोल्ड। सो जस्ट वॉन्टेड टू शो यू गाइज थोड़ा सा नेबरहुड, एंड मुझे बहुत पसंद है कोई भी जगह जाओ तो थोड़ा वॉक करना, यू फील द वाइब बेसिकली, और सो प्रिटी, मतलब ये लोगों के घर है लिटरली। बस अभी होटल पहुंच गई हूँ, ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच, अंधेरा हो गया, स्टिल इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये श्रीनगर है, कल गुलमर्ग जाएंगे, सो फाइनली रीच्ड, या प्रॉपर्टी काफी कोजी सी है जस्ट द वे आई लाइक। सो डिनर के लिए अभी काफी टाइम बचा है तो मैंने सोचा गरम गरम चाय पी लेती हूँ, क्योंकि और इतनी ठंड बढ़ गई है, हाथ जम रहे हैं, और होता है इसमें यू हैव टू जस्ट स्विच दिस ऑन, एंड बेसिकली आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं बेड का, हाई टू लो टू मीडियम, एंड आप ये भी सेट कर सकते हो कि आपको अपर बॉडी में हीट चाहिए, फीट पे हीट चाहिए, तो वो एरिया बेड का हीट होना शुरू हो जाएगा, विच इज आई थिंक ग्रेट, दिस फील्स सो गुड, बॉडी को जो रिलैक्स मिल रहा है, आई थिंक मैं कुछ ही टाइम बाद सो जाऊंगी फॉर श्योर, बट आई हैव टू गो एंड हैव डिनर उसके बाद, सो दैट कल काफी कुछ एक्सप्लोर करेंगे, लुक फॉरवर्ड फॉर दैट। एंड अभी थोड़ी देर बैठी थी मैं, डेटा जो था ट्रांसफर कर रही थी, सो दैट फटाफट सारे रेडी रहे कल के शूट के लिए। बिल्कुल मजाक नहीं है आकेटन, इतना अच्छा हीटिंग फैसिलिटी होने के बाद भी हालत खराब है, मतलब मैंने जैकेट भी कैरी की है क्योंकि मुझे पता है बाहर जाके और ज्यादा ठंड लगने वाली है। सो अभी मैं जा रही हूँ डिनर के लिए क्विकली, सो आई विल ऑल्सो टेक यू गाइस थ्रू। For watching this vlog till here and yahan tak dekha hai to make sure to subscribe and turn on the notification bell so that aane wale vlogs miss na karo. Good morning, just uthe abhi, but I have to leave. Aaj hum jane wale hain Gulmarg, kafi sare adventure options hain, so aaj explore karenge and I'm so looking forward for that. Let's go. ATM. यहाँ पे एक चीज है कि कैश कैरी करना बहुत जरूरी है, प्रो एडवाइस, जहाँ भी जाओ कैश कैरी करो, बिकॉज हर जगह पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सो जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड, सो मेक श्योर यू विदड्रॉ अ गुड अमाउंट ऑफ कैश सो दैट बाकी जो एडवेंचर्स कर पाए उसके लिए थोड़ा कैश होना जरूरी है। अभी हम जा रहे हैं तनमर्ग, फिर तनमर्ग से हम जाएंगे गुलमर्ग, जहाँ पे कैश की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज वहाँ काफी सारे एडवेंचर ऑप्शन है एंड दे ओनली एक्सेप्ट कैश, सो मेक श्योर यू हैव लॉट ऑफ कैश। I sound like a money advisor. आप मैंने ये कार्ड नहीं लग रहा, आप फिर से लगा। वापस से करना। हाँ। Okay okay. अच्छा receipt नहीं मिल रहा क्या? काफी दूर है कोई। करेंगे सब्सक्राइब, एक सेकंड गया आपने। SW ATI क्या, बट पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया इन कश्मीर। सो बस हेडिंग टू तनमर्ग, सो अभी यहाँ पे व्हीकल का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं जिरान काजीपुरा, एंड यहाँ पे यू हैव टू टेक 4x4 व्हीकल और यहाँ से जाने में थोड़ा इजी हो जाएगा, सो वेटिंग फॉर दैट।
मेरे शूज चाहिए। चलिए सर, ये बर्फ बहुत मिलेगा आपको। और यहाँ पे काफी सारे फूड ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे नाश्ता चाय सब कर सकते हैं, शूज वगैरह सब रेंट पे ले सकते हैं, मैंने जस्ट लिए। एंड अभी हम जा रहे हैं गुलमर्ग एक्सप्लोर करने। ये स्टॉप है फाइनल, फाइनल तो आगे है लेकिन ये यहाँ से नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे भी अभी मोमेंट है, राहुल गांधी ऊपर है वहाँ नहीं छोड़ते हैं। ऊपर खैबर रोड का है। सो फाइनली गुलमर्ग पहुँच गई हो एंड एज यू कैन सी वादियाँ ही वादियाँ है हर जगह, ब्रेथ टेकिंग व्यू। एंड यहाँ राहुल गांधी के होने की वजह से काफ़ी जगह रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, यू आर नॉट सपोज टू गो एंड गो टू दैट एरिया। सो अभी मैं जा रही गंडोला राइड के लिए क्विकली एंड उसमें भी काफ़ी वेटिंग होने वाला है बिकॉज बहुत रश है यहाँ पे। So this is basically the queue for gondola. इधर से आओ, साइड से आराम से, आराम से, कोई बात नहीं, यहाँ फिसलता है। ब्लैक आइस है ना, चलो ध्यान से इधर आप मुझे पकड़ो। तो बस अभी गंडोला राइड ले जा रहे हैं एंड इट्स गोइंग टू टेक क्वाइट टाइम क्योंकि बहुत रश है, एज यू कैन सी पीछे क्यू इतनी भीड़ है। बेसिकली ये जो राइड है पूरा ड्यूरेशन है वो है 18 मिनट्स, 9 मिनट्स जाने का और 9 मिनट्स आने का, जिससे ये ब्रेथ टेकिंग व्यू का मजा उठाते हुए जा सकते हैं। एंड सेकेंडली आई फील कि जो इसका कॉस्टिंग टिकट बहुत ही वर्थ है, आई मीन 740 में आप लुफ्त उठा सकते हैं इस जगह का, वो भी ईगल आई व्यू इस तरीके से, और बहुत ब्यूटीफुल है। वायरल कैफे जो गुलमर्ग में काफी ज्यादा पॉपुलर है, ये कैफे जी यहाँ के लिए क्या क्या मिलेगा कैफे में? आपको सब कुछ मिलेगा। स्कीइंग किया हुआ है पहले तो आई एम नॉट दैट कीन, अगर करेंगे तो शायद स्नो व्हील ट्राई करते हैं, तो उसी तरफ जा रहे हैं। एंड लवली वेदर, मतलब मैनेजेबल। कावा 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 भैया कितने का दिया कावा? 50। ठीक है एक दे दो, पेज के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा पेज वर्थ इट हुआ तो 50 का भी अच्छा, चलो ट्राई कर लेते हैं। क्या क्या डाला है इसमें? केसर, इलायची, दालचीनी डालते हैं इसमें।
ओके बस एक और इनका वो होता है हरीसा बोलते हैं उसको, एक और दे दो तो उसको ना हरीसा बोलते हैं वो ऐसा होता है, आपने नहारी खाई कभी? हाँ। तो नहारी ऐसा सा टेस्ट होता है उसका, वो सुबह सुबह खाई जाती है ताकि पूरे दिन ठंड नहीं लगती, उसको सुबह वो सुबह खाया जाता है। अच्छा काजू भी है इसमें? काजू भी डालते हैं इसमें, नारियल। अच्छा ऑनेस्टली कावा पिया नहीं है तो इतना समझ नहीं आ रहा टेस्ट, बट कावा ठीक है, मतलब मुझे अच्छा लगा इसलिए पीते हैं। फिर चलते हैं थोड़ा एडवेंचर करते हैं। अभी स्लेडिंग का भी ऑप्शन है, मैन्युअली स्लेड करते हैं जो ऑब्वियसली मैं नहीं करने वाली, करेंगे तो सिर्फ दो व्हील्स दो बाइक ही एक्सप्लोर करेंगे, सो ब्यूटिफुल एंड ब्रेकिंग। ये दिखाना है कि यहाँ पे कितना कितना इंच जो है बर्फ। टिकट्स लेते हैं नंबर खुद को रवीश एक ही थैंक यू। गुलमर्ग में बाकी एक्टिविटीज़ ट्राई करो या ना करो, बट मेक श्योर यू ट्राई स्नो बाइकिंग बिकॉज इट्स मच मोर कन्वीनियंट एंड इन जस्ट 2,000 rupees आपको पहले प्रैक्टिस कराया जाएगा ऑपरेटर के थ्रू एंड देन यू कैन राइड द बाइक योर सेल्फ एंड आई हैड सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड दिस हैज़ टू बी द हाईलाइट ऑफ माई गुलमर्ग ट्रिप। एंड बिग शाउट आउट टू नवाब, सच अ फैंटास्टिक ऑपरेटर, इतना जल्दी फटाफट सिखाया एंड आई गॉट टू राइड इट माई सेल्फ एंड आई हैड सच अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी वन शुड डेफिनेटली ट्राई। वॉटर फॉर यू एंड इट्स ब्यूटिफुल। और मुझे अभी पता चला है कि जो ये जो
जो वाटरफॉल जिसको कहते हैं एक्चुअली इट्स अ पावर प्लांट से आता है वो पानी, जिसको लोग वाटरफॉल कहते हैं, एंड इट्स ब्यूटिफुल एंड काफ़ी ज़्यादा रश है और बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। और ये जो पीछे व्यू है दरंग विलेज है, जिसके वजह से इवन यहाँ जो वाटरफॉल है उसका नाम दरंग वाटरफॉल पर है, एंड दिस इज़ द व्यू। ये रहा दरंग गांव, दरंग विलेज कहते हैं जिसे। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, जल्दी यहाँ से निकल। सो आई विल एंड टुडेज व्लॉग। आज हमने तनमर्ग, गुलमर्ग और दरंग वाटरफॉल एक्सप्लोर किया। सो बस अभी इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। से कैसे आएगा पीकू? इधर 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 इधर, गुड बॉय। और नहीं उठाना इसको। क्या उसका अच्छा लगता है? क्या होता है अच्छा लगता है? वो मरेगा इसीलिए। कौन मरेगा? अगर ज्यादा हो रहा है ना, हाँ अच्छा लगता है ना ये, हाँ हाँ मरता है। हाँ कल इसको भी दो बार कुत्ते गाड़ी नहीं मारा था, और ये भी बच गए इसीलिए। ओके मैडम, कुछ क्या देना है? जस्ट यहाँ देखा बैकयार्ड में, बहुत ही क्यूट सा फ्रेंडली डॉग था। अच्छा अभी जस्ट यहाँ पे थोड़ा रुके हैं क्विक बाइट खाने के लिए। सुबह जो निकले थे ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद कुछ खाया नहीं, सो जस्ट गोइंग टू हैव समथिंग एंड फिर यहाँ से बैक टू द होटल। सो मैं अभी क्विकली डिनर करने जा रही हूँ। आज गुलमर्ग काफी ज्यादा टायरिंग हो गया, बिकॉज एडवेंचर किया, काफी ज्यादा देर तक एक्सप्लोर किया एंड वेरी एग्जॉस्टेड। सो जस्ट फ्रेशन अप, चेंज्ड, नाउ गोइंग टू हैव डिनर क्विकली सो दैट सो जाऊँ। कल सोनमर्ग एक्सप्लोर करने वाले हैं, सो इट्स गोइंग टू बी अगेन अ वेरी फन डे। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट एक्सपीरियंस। एंड इट्स अबव गुलमर्ग, मतलब गुलमर्ग से भी आगे जाना है सोनमर्ग। इट्स मच मोर कोल्डर देन गुलमर्ग, सो या जस्ट विश मी लक। सो या लेट्स गो एंड हैव डिनर। या